वहीं बिहार के पूर्णिया में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिस वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने हालात का जायजा लिया। मौजूद है पूर्णिया जिला के महज 40 मीटर की दूरी पर मलनिया गांव में। यहां पर बाढ़ का कहर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बाढ़ का पानी इस मलनिया गांव में प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें, कोसी बैरेज से पानी छोड़े जाने के बाद लगातार जल स्तर की वृद्धि होने लगी है। कोसी नदी उफान पर है। यहाँ पर लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या हो रही है, क्या समस्या हो रही है बाढ़ को लेकर। बाढ़ को लेकर के यहाँ भीषण समस्या है, हर साल तो आता ही कम बेस, आज जो है बहुत भीषण बाढ़ आ रहा है और गांव के जनता यह तबाही में है और भयभीत है कि छप्पर का शरण लेने के लिए आतुर है। कि कल सुने हैं कि 56 साल पहले जो बाढ़ हुआ था वैसा आ रहा है, इसलिए लोग अपना सत्तू नमक हंडी में लेकर छप्पर पर चढ़ने की तैयारी में है। क्या परेशानी हो रही है, क्या परेशानी है सर? हम लोग को ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए कि कभी ऐसा माहौल नहीं देखे थे जो माहौल अब की बार हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हम लोग कभी इतना रहे हैं, हम लोग कभी ऐसा पानी नहीं देखे जो अब की बार हम लोग देख। ऐसा कि ग्रामीणों ने बताया कि अब तक किसी प्रकार की यहाँ पर मदद नहीं की गई है, हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की राहत टीम यहाँ नहीं पहुँची है। अब देखने वाली बात होगी क्या इन लोगों के लिए राहत टीम पहुँचती है या नहीं। गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, पूर्णिया।